नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। रामपुर, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का बड़ा बयान, कहा भारत में हर समाज के व्यक्ति को भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देश का सच्चा नागरिक नहीं। सूबे के अल्पसंख्यक मंत्री बलदेव सिंह औलख ने रामपुर की गांधी समाधि पर 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। राज्य मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई और कहा कि भारत में हर समाज के व्यक्ति को भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। जो भारत माता की जय नहीं कहेगा वो देश का सच्चा नागरिक नहीं है। उन्होंने केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय की लिस्ट में रामपुर को अंतिम स्थान मिलने पर लिस्ट को ही सिरे से गलत बता दिया। उन्होंने कहा जिन्होंने ये लिस्ट बनाई उन्हें सही बात मालूम नहीं, ये लिस्ट गलत है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस बेसिक के बच्चों को, हमने जब से हमारी सरकार आई हमने उनको ड्रेस, अच्छी ड्रेस दी है, हमने बैग दिया है, हमने जूते दिए हैं, हमने मोजे दिए हैं, टाई दिए हैं। हमने इस बार हमने उनको बच्चों को बैठने के लिए नीचे बैठते थे फर्नीचर दिया है। मैं एक बात और माननीय मुख्यमंत्री से यहाँ पर आग्रह करूँगा कि उन बच्चों को शुद्ध पेयजल आरओ के माध्यम से, उन बच्चों को पीने का पानी भी स्वच्छ मिले जिसमें कोई भी बीमारी ना हो, कोई बैक्टीरिया ना हो, इससे बच्चे हमारे स्वस्थ रहें। ये हम आगे इसको देने का काम करेंगे। सीएम बोर्ड ने इस 15 अगस्त पे भारत माता की जय बोलने के लिए कंपलसरी कर दिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत माता की जय बोलना अच्छी बात है और जो नहीं भी बोल रहे वो भी भारत माता की जय बोलें। और जब भारत माता ही हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, जब भारत माता का वो नहीं रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं। एक एक नागरिक को, एक एक जनमानस को भारत माता की जय बोलना चाहिए। भारत माता जिंदाबाद, ये पूरे आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में गूंजना चाहिए भारत माता की जय। अच्छा, जिस तरह से मुस्लिमों ने, जो मुस्लिमों का क्या कहते हैं एक ग्रुप है, उसने शिया बोल, उसने इस तरह की पहल की है, तो किस तरह से देखते हैं? किस चीज़ की पहल करी? ये भारत माता की जय बोलने की कंपलसरी। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छी बात, जिस देश का कोई भी समाज का नागरिक, किसी भी वर्ग का हो, कहीं भी समुदाय का हो, वो भारत का नागरिक है, उसे भारत की जय बोलनी है और बोलनी पड़ेगी, समझे नहीं? और जो भारत माता की जय बोलता है वो हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक है, और जो नहीं बोलता है वो सच्चा नागरिक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मंत्री जी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय